माय चैनल में आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आप उनके बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं, यानी कि वो पर्सन जो भी हैं वो आपके दिमाग से जा क्यों नहीं पा रहे। ये रीडिंग जनरल रहेगी, सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन जिनके साथ भी रेजोनेट होती है आप मुझे बताना ना भूलें व्यूवर्स, ओके। आप मुझे बताना ना भूलें जिनके साथ भी रेजोनेट होती है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं देन आप सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, क्योंकि आप ही के सब्सक्रिप्शन से जब भी मैं कोई इंट्यूटिव टॉपिक पर रीडिंग लेकर आऊँगी, या कोई डिफरेंट रीडिंग होगी, या कोई चैनल मैसेज या चैनल सॉन्ग होगा आपके लिए, या कोई इंट्यूटिव मैसेज होगा आपके लिए, तो मैं नहीं चाहती कि आप उसे मिस कर पाएं, क्योंकि मैं रीडिंग्स के दौरान रीडिंग्स के बीच में मैसेज देती रहती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कोई मैसेज मिस ना कर सकें तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ओके व्यूअर्स। और ये रीडिंग टाइमलेस रहेगी, जब भी ये वीडियो आप तक पहुंचेगा ये मैसेज तब आपके लिए होगा, चाहे ये वीडियो कितने भी समय बाद पहुंचे आप तक। और ये सभी साइंस के लिए है और सभी सिचुएशंस के लिए है, चाहे आप सिंगल हैं, कमिटेड हैं, मैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, सिंगल हैं, या नो कॉन्टैक्ट में हैं, ये हर सिचुएशन के लिए रेजोनेट करेगा, ओके व्यूअर्स। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं व्यर्थ करते हैं आपका, और चेक करने की कोशिश करते हैं कि आप के दिमाग में जो पर्सन है आप उनके बारे में इतना सोच क्यों रहे हैं, वह आपके दिमाग से हट क्यों नहीं पा रहे हैं, ओके व्यूअर्स। तो चलिए हम करते हैं रीडिंग आपकी स्टार्ट, शफलिंग शुरू करते हैं कि आप उनके बारे में इतना सोच क्यों रहे हैं। Why is this person in your mind? क्यों आप इनके बारे में इतना सोच रहे हैं? चलिए व्यूअर्स बताते हैं आपको। ओके, फाइव ऑफ वैंस की एनर्जी है, फर्स्ट फाइव ऑफ वैंस का कार्ड आया है। ओके, सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड आया है व्यूअर्स। टेम्परेंस, ओके, ये तीन कार्ड्स दिख रहे हैं आपको। चलिए मैं क्लैरिफाई करती हूँ ये सारे कार्ड्स, ओके। यहाँ दो कार्ड्स अनफोल्ड हुए हैं व्यूअर्स, मैं इन दोनों कार्ड्स को जरूर लूंगी। और एक ये हुआ था अनफोल्ड, फोर ऑफ कप्स, बाकी अनफोल्ड नहीं हुए थे। नाइट ऑफ कप्स अनफोल्ड हुआ था और फोर ऑफ कप्स अनफोल्ड हुआ था। चलिए मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ टेम्परेंस को भी। ओके, पेज ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है व्यूअर्स। एनर्जी ऑफ डेक जो है इट इज सेवन ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो यहां हम आपको देख के बताते हैं कि आप उनके बारे में इतना सोच क्यों रहे हैं, वे आपके दिमाग से जा क्यों नहीं पा रहे व्यूअर्स। पहली बात तो मुझे काफी स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन है। आई एम डैम श्योर अबाउट दिस कि आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन है। यहां पर मुझे ऐसी स्थिति लग रही है कि आपके पर्सन ने आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप लोगों का। मुझे कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों का यहाँ लग रहा है, आपकी पुरानी लाइफ से इनका कनेक्शन है। हो सकता है आप सोलमेट्स हैं, मैंने कहा कि सोलमेट्स हैं आप, और आप ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके का कनेक्शन यहाँ दिख रहा है, स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग सोलमेट्स भी हो सकते हैं। फिलहाल ये जो पर्सन है इनसे आपकी बात नहीं हो रही है, क्योंकि आपको ये पर्सन झूठे, धोखेबाज और चीटर लग रहे हैं, ऐसे आपको लग रहे हैं ये। ठीक है, आप इनके बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन आप इनके बारे में यह सोच रहे हैं कि ये आपको धोखा दे सकते हैं, या ये आपको धोखा दे रहे हैं, या फिर ये झूठे हैं, ओके। आप ऐसा सोच रहे हैं इनके बारे में, ये नहीं कह रही कि आप नेगेटिव होकर सोच रहे हैं, आपको ये सच में ऐसा लग रहा है कि ये धोखा दे रहे हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये आपको सच में लग रहा है। अब चाहे वो कोई महिला हो या पुरुष हो, आप उनके बारे में इतना इसीलिए सोच रहे हैं व्यूअर्स, क्योंकि पहली बात तो यहां पर आपका मैंने बताया कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है। दूसरा ये है कि आपने जब भी इन पर्सन को, ये जो भी है, मेल है फीमेल है, इनको एफर्ट डालने की कोशिश करी, इनको कुछ ऑफर करने की कोशिश करी, इन्होंने वो ऑफर रिजेक्ट किया है।
बार बार मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन है जो बार बार एफर्ट लेता है, ऑफर करता है, बार बार एफर्ट डालने की कोशिश करना, बार बार उनको मनाने की कोशिश करना, उनको अपना लव एक्सप्रेस करना। सीधी बात यह है कि आपने कईयों बार उन्हें अपना लव एक्सप्रेस करने की कोशिश की है जो उन्होंने रिजेक्ट किया है, और इसी वजह से आपके मन में पेन है, आपके मन में दुख है, तकलीफ है, क्योंकि आपका तो इनसे स्पिरिचुअल बॉन्ड है और उनका भी है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आपको ये कनेक्शन रियलाइज हो गया है और उन्हें ये कनेक्शन रियलाइज नहीं हुआ है। ओके, वो अभी भी इसी डायमेंशन में है कि प्रैक्टिकल लाइफ क्या है, और आपको, आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन रियलाइज हो गया है, इसीलिए आप एक स्टेप ऊपर जा चुके हैं। यहां पर कप्स की बहुत एनर्जी है व्यूअर्स। देखिए, मैं इसके बारे में कह रही थी कि आपने अपने पर्सन को कई बार ऑफर किया है लेकिन आपके पर्सन ने रिजेक्ट किया है, वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया है। अब ऐसी बात नहीं है कि आपके पर्सन ने कभी आपसे बात नहीं की है या आपको कभी कोई ऑफर नहीं दिया है, नहीं, उन्होंने भी आपसे बातें की हैं, लेकिन इन बातों में डिफरेंस पता है क्या है, इन बातों में डिफरेंस जो है उसी वजह से आप उनको, इनके बारे में इतना सोचते हैं, आपके दिमाग में ये पर्सन हर दम रहते हैं, हर पल रहते हैं, वो इसीलिए क्योंकि आप इन्हें जो ऑफर करते हैं, आप इनको जो प्यार एक्सप्रेस करते हैं, वो आप करते हैं सीरियस लेवल का, कि सीरियस कमिटमेंट, एक सीरियस रिलेशनशिप, एक सॉलिड रिलेशनशिप, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, ठीक है, एक सॉलिड रिश्ता जिसमें हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट हो, आप कमिटमेंट चाहते हैं उनसे, एक सॉलिड कमिटमेंट, एक स्ट्रांग प्रपोजल, यानी कि आप बहुत ही सीरियस रिश्ते हैं, आप बहुत ही सीरियस हैं रिश्ते को लेकर व्यूअर्स, तो आप सीरियस प्रपोजल देते हैं, लेकिन आपके पर्सन आपको क्या देते हैं, ये देते हैं वो आपको, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, फ्लर्टिशियस एनर्जी, आपके साथ फ्लर्ट करते हैं, और इससे आप पहले तो इम्प्रेस होते थे, पहले आपको बहुत मज़ा आता था, इवन आपको अब भी अच्छा लगता है कि जब वो क्यूट क्यूट बातें करते हैं, फ्लर्ट करते हैं आपके साथ, आपके साथ नॉटी होते हैं, तो आपको ये आज भी अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि अब आप सीरियसनेस चाहते हैं, अब आप कुछ फैक्ट चाहते हैं, कुछ रियलिटी चाहते हैं, आपको ये फ्लर्ट करवाने में, करने में अब वो मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि आपको लग रहा है कि अब क्या सारी ज़िंदगी ऐसे फ्लर्ट ही करते रह जाएंगे, क्या हम बस इन्जॉय करते रह जाएंगे, हमें एक स्टेप आगे बढ़ना भी है या नहीं, आपने ऐसा सोचा। लेकिन आपके पर्सन ने आपको कप्स ऑफर किए, कप्स का मतलब नॉन सीरियस एनर्जी ऑफर करी आपको, आपको नॉन सीरियस प्रपोजल्स दिए, जिसमें उन्होंने आपको ऐसा बोला कि शादी का मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता या नहीं दे सकती, इतना आगे का मैं नहीं सोच सकता, इतना मैं नहीं आपको प्रॉमिस कर सकता या कर सकती, क्योंकि मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उन्होंने काफ़ी आपको एक्सक्यूज दिए हैं, कई लोगों को नहीं भी दिए हैं, लेकिन उन्होंने इस रिश्ते को सीरियस बनाने से, आपको कमिटमेंट देने से मना किया है, और आपको क्या ऑफर किया है, आपको ये तो बोला है कि ब्रेकअप करने की ज़रूरत नहीं है, हम इन्जॉय करेंगे, हम घूमेंगे फिरेंगे, हम बातें करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन आपको सीरियस कमिटमेंट नहीं दिया है। तो यानी कि आपको उन्होंने सेकेंडरी ऑप्शन बना के रखा है, गाड़ी की स्टेपनी बना के रख दिया है, अगर आप समझ पाए हो मेरे बात का मतलब, उन्होंने आपको सेकंड ऑप्शन बना के रख दिया है कि आपके साथ एंजॉय भी करना है, घूमना फिरना भी है, आपके साथ टाइम बिताना है, आपके साथ फुल ऑन मस्ती करनी है, लेकिन जब बात आती है सिंसियरिटी की, कमिटमेंट की, लॉयल्टी की, तो फिर वो नहीं, क्योंकि ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा फ्लर्टेशियस, ओके, नॉटी और इंजॉयमेंट वाली एनर्जी है, ये सीरियस एनर्जी नहीं है, इसीलिए उन्होंने आपका वाला कप रिजेक्ट किया है, क्योंकि जो आप ऑफर लेके आए थे वो उनके मतलब का नहीं था, समझे। तो आपको ये बात व्यूअर्स हर्ट करी है, आपको लग रहा है कि ये पर्सन जो है ये मुझे दे रहे हैं धोखा, ये मुझे बना रहे हैं बेवकूफ़, इन्होंने मुझे बेवकूफ़ बना दिया है और मैं बेवकूफ़ बन चुकी हूँ या बन चुका हूँ, येस आई एम स्टूपिड, ऐसा आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि मुझे बेवकूफ़ बनाया गया है यहाँ पर, और वो आपसे कह रहे हैं कि मैंने आपको पहले ही बोल के रखा था, मैंने आपको कभी भी कोई सीरियस कमिटमेंट दिया ही नहीं था, क्या मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे शादी करूंगा या करूंगी, या फिर अगर मैंने कहा था तो क्या मैं आपको कोई सीरियस ऐसा कमिटमेंट दे रहा हूँ उसके बाद या दे रही हूँ, यानी कि उन्होंने आपको मना कर दिया सीरियस कमिटमेंट के लिए, ठीक है, या कुछ लोगों को बोल दिया होगा कि इस बारे में मैं बाद में सोच सकता हूँ, सोच सकती हूँ, लेकिन अभी मेरे को फैमिली में इशूज़ हैं
मेरे फैमिली वाले कंट्रोलिंग है, मेरी प्रॉब्लम ये है, मेरी प्रॉब्लम ये है करके आपको रोक रखा है। यहां पर ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि आप उनके बारे में इतना इसीलिए सोच रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपके साथ इस तरीके का छलावा किया है, यानी छल किया है आपके साथ, प्रपंच रचा है आपके लिए। इसीलिए आपको इनसे थोड़ा इनको आपको ना इन पर गुस्सा भी आ रहा है, जिस तरीके की एनर्जी में यहाँ देख रही हूँ ना, क्योंकि वो आपको जितना स्लो ऑफर दे रहे हैं, इतना वीक, इतना ज्यादा कहते हैं ना कि कोई ऑफर ही नहीं है, वो बकवास बात है। इस तरीके के आपको ऑफर्स दे रहे हैं वो कि सीरियसनेस नहीं होगी, कोई कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं है, कोई लॉयल्टी नहीं है, तो आपको लग रहा है मैं करूं क्या। तो आपकी उनसे कॉन्फ्लिक्ट होने की बहुत संभावना है। आप उनके लिए ऐसा सोच रहे हैं, काफी आपकी ना एंगर वाली एनर्जी हो सकती है उनके लिए, आपको उन पर गुस्सा बहुत आ रहा है। हो सकता है कि आपको खुद पर भी गुस्सा बहुत आ रहा हो, आप खुद पर भी गुस्सा कर रहे हैं और निरंतर यह सोचते जा रहे हैं, निरंतर इस बात पर चिंतन कर रहे हैं कि मैं ऐसे बेवकूफ कैसे बन सकती हूँ, मुझे ऐसे कोई बेवकूफ कैसे बना सकता है, मैं इस इंसान का क्या करूँ, इसने ऐसा कैसे किया। आपके दिमाग में ये बातें चल रही हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट्स आपके रिश्ते में हो सकता है 5 महीनों से, 5 हफ्ते से, या कुछ 5 समथिंग से शुरू हुए हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो गए। 5 महीने से शुरू हो सकती हैं, कई किसी किसी के लिए 5 साल हो सकते हैं, ये 5 हफ्ते हो सकते हैं, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन ने आपको कमिटमेंट ऑफर नहीं किया, इसीलिए आपका हो गया दिमाग खराब, और अभी भी आपका दिमाग खराब ही है, आपको एकदम गुस्सा चढ़ा हुआ है। सच बोल रही हूँ मैं क्या करूँ, ये रीडिंग ही ऐसी है। ओके, क्योंकि देखिए ये यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है और ये यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये कंप्लीटली अपोजिट है एक दूसरे के। देखिए व्यूअर्स, ये वो ऑफर है जो आप उनको दे रहे हैं, क्योंकि ये 6 ऑफ कप्स का ऑफर है, ये सोलमेट वाला ऑफर है, इसमें आप अपना प्यार एक्सप्रेस कर रहे हैं, दिस इज अ जेन्युइन ऑफर। ओके, और ये बताता है कि आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है, आप लोगों का सोलफुल कनेक्शन है, आप सोलमेट्स हो सकते हैं, विच योर पर्सन इज नॉट रियलाइजिंग, इसीलिए आपके पर्सन ने ये ऑफर रिजेक्ट किया है। ओके, दे आर रिजेक्टिंग योर सीरियस ऑफर बट दे आर रेडी टू हैव फन विद यू। ताल में कुछ काला है। तो ये यहाँ पर केस है। अभी गाइस आप काफी ज्यादा पेन में हैं ऐसा लग रहा है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है, आप अभी कुछ समय रहेंगे पेन में, थोड़ा सही है इस बात को, आप कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा सही है इस चीज को और हीलिंग स्टार्ट करिए अपनी, ठीक है। जो आपका डार्क फेज है इसको पास ऑन कीजिए, और फिर उसके बाद ये टेम्परेंस का कार्ड है, इसका मतलब आपको अपनी हीलिंग शुरू करनी है, क्योंकि जिनके बारे में आप इतना सोचते जा रहे हैं ना, वो सिर्फ ये सोचना आपको तकलीफ दे रहा है, आपके दिमाग में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, आपको एंजाइटी हो रही है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपको डिप्रेशन हो रहा है, ये आपको हो रहा है ज़्यादा सोचने की वजह से इनके बारे में। इसीलिए टेम्परेंस का कार्ड है, आपको अपनी हीलिंग करनी चाहिए, आपको हीलिंग के पाथ पर जाना चाहिए, और आपको अपने आप को हील करने के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए, कि बजाय आप इनके ऊपर अपना दिमाग खर्च करें, आप अपना दिमाग इनके ऊपर खर्च मत करिए, आप अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दीजिए, अपनी लाइफ में ग्रो करना शुरू कर दीजिए, ये अपने आप आपके पास वापस अट्रैक्ट होकर आ जाएंगे, बिकॉज ये एक सोलमेट कनेक्शन है, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। जैसे ही आपकी एनर्जी वहां से आप पुल बैक कर लेंगे, तो उनकी एनर्जी क्रेव करेगी और आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी, एंड दैट्स अ फैक्ट, ठीक है। आप इसको दिस इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक, आप इसको अप्लाई करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, लेकिन इसमें आप चीटिंग नहीं कर सकते, आपको कंप्लीटली अपने ऊपर फोकस करना है, किसी और के बारे में सोचना नहीं है, ध्यान नहीं देना है, और एक दिन आप देखेंगे सडनली उनको आप में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, वो आपसे कहेंगे कि चलो अब आपको शादी करनी थी ना, कमिटमेंट चाहिए था, आप कहोगे नहीं अब मेरा मन बदल गया है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड दैट मच एनी मोर। फिर वो बोलेंगे कि अरे आपको तो करनी थी, आपको तो सब भूत सवार था कि कमिटमेंट चाहिए ये वो, आप कमिटमेंट नहीं दे रहे, सीरियस नहीं हो रहे, और तब आप कहेंगे नहीं अब मुझे इंटरेस्ट नहीं है, हाँ तब था, समय समय की बात है, अब समय बदल गया है, आप अब मेरा मन नहीं है, ऐसा होगा। लेकिन आपको अपनी एनर्जी में शिफ्ट लाना पड़ेगा, अभी आपकी एनर्जी एकदम चेजिंग वाली, एकदम क्रेविंग वाली, नीडी एनर्जी है, अपने आप को नीडी एनर्जी से बाहर निकालिए व्यूअर्स, हील करिए अपने आप को।
तो आप इन्हें इसलिए नहीं भुला पा रहे हैं क्योंकि आपको इन पर गुस्सा आ रहा है। तो अगर आपने ये रीडिंग देख ली है व्यूअर्स, तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। और इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस प्रोवाइड करती हूँ, तो अगर आप उन्हें मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलिएगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, ये रीडिंग आपसे कितने परसेंट मैच हुई है ये बताइएगा ज़रूर, क्या 100% मैच हुई है, एक्यूरेटली मैच हुई है, ये बात मुझे ज़रूर बताइएगा और अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैंने देखा है कि कई लोग मेरी उम्र पूछ रहे हैं कि मेरी उम्र क्या है, और कई लोग बोलते हैं कि मेरी वॉइस बहुत अट्रैक्टिव है। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वॉइस की इतनी तारीफ करने के लिए, बिकॉज मैंने तो अपनी वॉइस के लिए क्रिटिसिज्म ही झेला है। अच्छा सुन लीजिए पहले मेरी बात को, काफ़ी लोग पैनिक कर जाएंगे अभी। जिन लोगों को रीडिंग के रिगार्डिंग कुछ देखना था, रीडिंग समाप्त हो चुकी है, आप वीडियो बंद कर सकते हैं, धन्यवाद। तो बाकी जो लोग पूछ रहे थे कि उन्हें मुझे देखना है या उन्हें मेरी उम्र जाननी है कि मेरी उम्र क्या है, तो गाइज, और जिन्होंने मेरी वॉइस की तारीफ की थी, जो कि इतनी ज़्यादा यू नो मस्कुलर वॉइस है मेरी, फेमिनाइन वॉइस नहीं है मेरी, आई डोंट नो पीपल से सच थिंग्स, तो मेरी जो वॉइस आप लोगों को अट्रैक्टिव और अच्छी लगती है, आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन मेरी उम्र जो है, उम्र का तो देखिए ऐसा है गाइस कि नहीं पूछते लड़कियों को कि उनकी उम्र क्या है। लेकिन चलिए, आपने उम्र पूछी है तो चलिए कमेंट्स में आज आप गेस करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है मेरे यू नो रीडिंग के थ्रू, मेरी आवाज़ के थ्रू, कि मेरी क्या उम्र हो सकती है। और जिन लोगों को मुझे देखना है, वो लोगों के लिए गाइस हम एक काम करते हैं, अभी कुछ समय रुक जाइए, हम एक और चैनल क्रिएट करेंगे, एक और चैनल क्रिएट करेंगे और वहाँ पर मैं अपने वीडियोस डाला करूँगी, अपने यू नो हीलिंग एडवाइजेस दिया करूँगी, गाइडेंस दिया करूँगी आप लोगों को, जहाँ पर आप मुझे क्लियरली देख पाएंगे। ठीक है, उस वीडियो में मैं कार्ड्स रीडिंग नहीं करूँगी, उसमें मैं आपको एडवाइजेस दूंगी, अपनी लाइफ के बारे में बताऊँगी, अपने बारे में बताऊँगी, तो आप मुझे उन वीडियोस में देख पाएंगे। पर अभी हम ऐसा कोई चैनल स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, जब भी हम करेंगे हम आपको तुरंत सूचित करेंगे, क्योंकि हमें आपकी आवश्यकता होगी। और आगे जो जो मुझे बातें याद है मैं उन सबको एड्रेस कर रही हूँ। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या मैं पर्सनल रीडिंग्स प्रोवाइड करती हूँ। देखिए, मैं पर्सनल रीडिंग्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ, नो नेवर। मैंने कई बार कमेंट्स में देखा है, कुछ पता नहीं क्या उलूल जुलूल मनगढ़ंत बातें करके लोग आ जाते हैं कमेंट्स में कोई, और आपको झूठा नंबर देते हैं कि ये है नंबर इन मैडम का, और इनसे बात कर लीजिए, इनसे रीडिंग ले लीजिए, ये वो, और आपके पैसे ना आपसे हड़प लेंगे और कोई रीडिंग नहीं देंगे आपको, आप सोचेंगे मैंने ऐसा किया है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिख रखा है, आई डू नॉट प्रोवाइड पर्सनल रीडिंग्स, प्राइवेट रीडिंग्स, और मैं आपको वीडियो के तहत भी कह देती हूँ कि मैं पर्सनल रीडिंग्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ, और जिस दिन मैं पर्सनल रीडिंग्स प्रोवाइड करूँगी मैं आपको खुद से बताऊँगी, फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँ या मैं वीडियो में डालूँ, मैं आपको खुद बताऊँगी। ठीक है, आप ऐसी बातों का विश्वास मत कीजिएगा। और कई लोग, जो लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, इतना अप्रिशिएट करते हैं रीडिंग को, मेरे एफर्ट को, थैंक यू सो मच गाइस, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि आपने इस चैनल पर अपना सहयोग दिया, अपनी उपस्थिति रखी, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैंने आपको काफ़ी पका लिया है, तो अब मैं आपको जाने देती हूँ। वैसे कोई लोग बचे भी थे कि नहीं, ये सब चले गए थे। व्यूअर्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।